बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग iSave में घर बैठे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो और उससे हलाल प्रॉफिट आप लोग कैसे हासिल कर सकते हो। इसके अंदर लाइव मैं आप लोगों को खुद से इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि iSave की एप्लीकेशन तक जाकर आप लोग पहले अपना ऑर्डर जो है उसको प्लेस कैसे करते हो, उसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर वो पेमेंट को वहां पे कैसे करते हो, कैसे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगर आप लोग iSave पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इन्वेस्ट करके दिखाने वाला लाइव, ताकि आप लोगों को इसके बाद कहीं से भी पूछने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग iSave के बारे में नहीं जानते या आप लोग उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ये वीडियो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो यहां पर हाउ टू क्रिएट एमसीबी बैंक iSave अकाउंट, इसका जो लिंक है आप लोगों को आई बटन में भी दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली वहां क्लिक करके आप लोग सबसे पहले इसको वॉच आउट कर लीजिएगा, ताकि कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों को पता चल जाए। फ्रेंड्स, दिस इज सोना अहमद, तो वेलकम करता हूं मैं आप तमाम भाइयों का आज की इस वीडियो में। तो यार, वीडियो में आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे अंदर तमाम आसानी से मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी फ्रेंड्स, iSave में इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत ही आसान है। घर बैठ के आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अपनी iSave की जो ऐप है इसको आप लोगों ने ओपन करना है, अपना आईडी अकाउंट वगैरह देकर आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इन्वेस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दो ऑप्शंस शो हो रही हैं आई इन्वेस्ट, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपली आपके पास होती है स्टैंडर्ड इन्वेस्ट, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट नाउ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को वो शो कर रहा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में आप शो कर रहा होगा इन्वेस्टर नेम, और यहाँ पर आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं यहाँ पर अल्हम्ब्रा डेली डिविडेंड फंड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है जो आप लोगों ने इन्वेस्ट करनी है। ये जो अल्हम्ब्रा डेली डिविडेंड फंड है, ये क्या है, इसमें कितने प्रॉफिट वगैरह मिलते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना देने वाला हूँ जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। सिंपली मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, तो हम 500 इन्वेस्ट करेंगे, प्रोसीड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग कैसे पे करना चाहोगे, चेक के जरिए करना चाहोगे या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहोगे। तो अभी हम फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट बाय यूजिंग द यूटिलिटी बिल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन योर बैंक। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से आप लोगों ने अपना बैंक सेलेक्ट कर देना है कि किस बैंक के जरिए आप करना चाहते हैं। तो मैं अलाइड के जरिए करना चाहता हूँ। आप जिस भी बैंक के थ्रू करना चाहते हो, आप सिंपली उस बैंक को सिलेक्ट करोगे और पे ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक कर दोगे। यहाँ पर वो आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो कर रहा है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, अल्हम्ब्रा डेली डिविडेंड फंड में आप कर रहे हैं और 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन है। इनको आप लोगों ने एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना है, और उसके बाद में आप लोगों ने टिक लगा के यहाँ पे कंफर्म ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे, वो कह रहा है योर इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन प्लेस्ड, परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग एक और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करोगे, नहीं तो आप बैक टू द डैशबोर्ड आ जाओगे। यहाँ पर इनकी तरफ से आप लोगों को एक मेल भी आ गया है, ये देखिए इनकी तरफ से एक ईमेल भी मिल गया है आपको। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो iSave इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट ₹500 अल्हम्ब्रा डेली फंड, और यहाँ पर आ गया है फंड पेमेंट यू विल बी प्रोसीड योर रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही आप लोगों का ये हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अपने बैंक में आना है और इसको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। फ्रेंड्स, तो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। यहां पर आने के बाद आप लोगों ने पेमेंट्स पे क्लिक करना है, और ये करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वापस अपने ऐप में आना है। और यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों की तीन लाइन शो हो रही है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का मास्टर रिलेशनशिप नंबर आपको टॉप पे यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप लोगों ने वहां पर एंटर करना है। ये एक किस्म का आपका अकाउंट नंबर है iSave का, ये आप लोगों ने वहां पे एंटर करना है पेमेंट करने के लिए। तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, और करने के बाद आप लोगों ने दोबारा अपने बैंक में आना है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जाने के बाद आप लोगों ने MCB आरिफ हबीब को सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बैंक है उसके अंदर आप लोगों ने अपने बिलिंग सेक्शन में चले जाना है, और उसके बाद आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में जाना है और MCB आरिफ हबीब को ऐसा कंपनी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करता रहता हूँ, तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पे पे मैं क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो शो कर रहा है कंज्यूमर नेम, करंट बिल जो मेरा यहाँ पर मैंने वहाँ पर लगाया था वो उन्होंने खुद से ही शो कर दिया। यहाँ पर अमाउंट 500 है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोगों ने वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड किया उसकी जो ड्यू डेट है यहाँ पर 25 नवंबर आ रही है, अमाउंट है 500 की, पार्सल पेमेंट वगैरह दिस और अकाउंट आईडी शो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम पे पर क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करने के बाद वो आपको दोबारा से दिखा रहा है कि बिलर नेम जो है MCB आरिफ हबीब है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर यानी कि आपका जो
मास्टर रिलेशनशिप नंबर था वो यहाँ पे शो कर रहा है, आपने अच्छे से देख लेना है आपकी पेमेंट और आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास ओपीटी आएगा, आपके बैंक का जो भी सिस्टम है आप लोगों ने उसके हिसाब से चलना है। मेरे पास यहाँ पे ओपीटी शो कर रहा है तो यहाँ पर ओपीटी पे क्लिक कर देंगे जी। ओपीटी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी हुई है। एमसीबी आरएफ हबीब यहाँ पर आप लोगों की जो पेमेंट है वो 23 को यहाँ पर हम लोगों ने पे कर दी हुई। ये देखिए उनकी तरफ से आपको एक मैसेज मिल गया, सिंपली यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपने मैसेजेस में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं डियर कस्टमर योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 हैज बीन रिसीव्ड। तो आप लोग देख सकते हैं सिंपली घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। दुआ में याद रखिएगा, दिस इज वन अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।